जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर की ट्रिक्स के बारे में कि कैसे एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनके सामने क्वेश्चन आता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस अप्रोच के साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उन्हें यही नहीं पता होता कि किन चीज़ों के ऊपर मुझे पहले ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों को मुझे यहाँ पर पहले ढूंढना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस के अंदर 100% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हैं, वो भी कम टाइम और कम एफर्ट के साथ में। लेकिन अगर आपकी अप्रोच क्लियर नहीं है, आपका वो सीक्वेंस क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपके सामने क्वेश्चन आया है तो आपको उसके अंदर ढूंढना क्या है, तो चाहे आप जितना मर्जी एफर्ट डाल लीजिए इस पोर्शन के अंदर 100% एक्यूरेसी तक पहुंचवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जो चीज़ें मैं बताऊँगा उन्हें समझने की कोशिश करनी है, उन्हें रिलेट करने की कोशिश करनी है, और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती चली जाएंगी। जब वो सारे कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर इतना ज़्यादा भी एफर्ट नहीं लगता है, बहुत कम एफर्ट, बहुत कम टाइम के अंदर सभी क्वेश्चंस हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर उन्हें आपने ध्यान में रख लिया, उनको सेंटेंस के अंदर पहले कंसीडर कर लिया, तो कोई भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। उन्हीं चीजों के ऊपर आज हम यहां पर फोकस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर की ट्रिक्स के बारे में, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर उनमें किसी भी एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद इन 3 सेकेंड्स। देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, किन चीज़ों को आपको ढूंढना है और कैसे सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना है, कैसे अपने आंसर तक आपको जल्द से जल्द पहुंचना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि उन्हें उस सीक्वेंस की क्लैरिटी नहीं होती कि किसी भी सेंटेंस के अंदर उन्हें सबसे पहले ढूंढना क्या है, उसके बाद में किस चीज़ की तरफ जाना है, किस चीज़ को ढूंढना है। क्योंकि जब वो बेसिक गलतियां करते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें 100% एक्यूरेसी तक पहुंच पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप 60% क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 70% कर सकते हैं, लेकिन 100% क्वेश्चन हर बार सही करने का एक वे होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होती है, प्रॉपर अप्रोच होती है। अगर उस प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर अप्रोच को आप फॉलो करते हैं तो कोई भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन जो है आप विद इन 3 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा मेन फोकस उसी चीज़ के ऊपर रहेगा। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे की तरफ चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट हो जाएंगे। आप सीखेंगे कि सेंटेंस को ब्रेक डाउन किस तरह से करना है, किस सीक्वेंस के अंदर चलना है, और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो किन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जितनी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, उन्हें जब आप कनेक्ट कर लेंगे, उन्हें आप यहाँ पर रिलेट कर लेंगे, तो आपके लिए चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी और इस सेक्शन के अंदर 100% आप एक्यूरेसी अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो सबसे छोटे से छोटा सेंटेंस भी है ना, वो 2 वर्ड्स का होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, राम सिंग्स, तो यहां पर ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन आपको पता है कि इसकी खास बात क्या है, कि इसमें राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और सिंग्स आपका क्या है, वर्ब है। अभी देखिए, इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस आपका तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको देखने को ना मिले। अभी सब्जेक्ट आपका क्या होता है, मेन हीरो होता है उस सेंटेंस का, उस सेंटेंस का मेन हीरो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, वो आपका मेन हीरो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ध्यान देने वाली बात, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर किसी ना किसी चीज की बात हो रही होगी, उसमें जिस भी चीज की बात हो रही है
जो सेंटेंस का मेन हीरो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अभी नाउन क्या होता है, कोई भी पर्सन प्लेस थिंग, उसके नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर अरुण की बात हो रही है। जब अरुण की बात हो रही है तो ये हमारी सेंटेंस का क्या है, मेन हीरो है। और जो मेन हीरो होता है सेंटेंस का वो आपका सब्जेक्ट होता है। अभी सब्जेक्ट आपका नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। 70-80% केसेस के अंदर सेंटेंसेस में जो स्पॉटिंग एरर के आते हैं वहां पर नाउन ही आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। कुछ 20% के आसपास सेंटेंसेस होंगे जहां पर सब्जेक्ट जो है कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। सिंपल सी चीज थी, मेन हीरो जिसकी बात हो रही होगी सेंटेंस में उसे सबसे पहले आपको पहचानना है। जब आप उसे पहचान लेंगे वो आपका सब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट को आप पहचान लेंगे तो सब्जेक्ट को पहचानना कितना इजी हो गया। आपने जैसे ही किसी नाउन को देखा सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है, हीरो की बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी सब्जेक्ट को पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आपका क्या होगा, नाउन होगा। अभी नाउन आपके दो तरह के होते हैं, नाउन आपका सिंगुलर हो सकता है, नाउन आपका प्लूरल हो सकता है। अभी इस चीज को देखना सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाउन अगर आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, और नाउन अगर आपका प्लूरल होगा तो उसके साथ में वर्ब आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अभी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ के सिंगुलर से प्लूरल आपके बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक की जो हमने बात डिस्कस की है वो क्या है, आपके सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले आपको देखना है उस सेंटेंस का हीरो कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है, हीरो के बारे में बात हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस की वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट आपका नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। जैसे ही आप उस सब्जेक्ट उस नाउन को पहचान लेते हैं, आपको ये देखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि नाउन अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ में वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर नाउन आपका प्लूरल होगा तो वर्ब उसके साथ में आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सेंटेंस के अंदर बहुत सारे नाउन भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक होता है। हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, फोकस नाउन के ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा नाउन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक ही होता है, जो मेन हीरो है वो एक ही होता है। फिल्म के अंदर जिस तरह से एक ही हीरो होता है ना, उसी तरह से सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात हो रही है वो एक ही होता है, और वो सब्जेक्ट नाउन होगा हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी नाउन हमेशा सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका मेन हीरो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। जब उस सब्जेक्ट पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको ये देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपकी कनेक्ट होती चली जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले, आज आपका संडे है तो संडे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है टेस्ट सीरीज के ऊपर, करंट अफेयर्स पैकेज के ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। यहां पर कूपन कोड रहेगा SUN50। जो हमारा करंट अफेयर्स का पैकेज है उसमें मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर मॉक्स आपको मिलेंगे, मिक्स करंट अफेयर मॉक्स मिलेंगे। जैसे सितंबर मंथ है, अक्टूबर मंथ है, नवंबर दिसंबर मंथ है, उनके अलग से इंपॉर्टेंट MCQ भी मिलेंगे, और जितने भी आपके मंथ्स हैं उनके मिक्स इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट। 2018 से 90% प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर बार गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कंटेंट से आते हैं। अगर आप इस पोर्शन में अभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। 50% एक्स्ट्रा ऑफ है सिर्फ 7 एस्पिरेंट्स के लिए आज। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें करंट अफेयर के मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और आपको पता है, जब तक आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक GS में सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक गलतियों का पता नहीं चलेगा, तब तक आप यहां पर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए अभी हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब हमने नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद में कैसे देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अभी जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है उसे यहां पर समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो सबसे पहले जिसकी बात हो रही है, जो हीरो है सेंटेंस का, उसे पहचानना है। वो हीरो आपका सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट अगर नाउन है तो आपको ये देखना है कि वो नाउन किस तरह का है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है उस नाउन का पता लगाना कि वो किस तरह का नाउन है? क्योंकि अगर वो प्रॉपर नाउन हुआ तो उसका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो नाउन प्रॉपर नाउन हुआ तो उसके साथ में जो वर्ब का यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अभी प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, देखिए आपको पता होगा बचपन में हम कहते थे ना कि जो सबसे खास चीजें हैं, जैसे किसी का नाम है तो वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे मोहन है। तो प्रॉपर नाउन की एक खास बात ये होती है कि इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में की जाती है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का स्पेसिफिक नाम, कोई भी पर्सन प्लेस थिंग है जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा खास है, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे आपका एक खास नाम है, आपका एक स्पेसिफिक नाम है, तो इसे हम जब लिखते हैं तो इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर के साथ में करते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। अभी प्रॉपर नाउन की खास बात क्या होती है कि इसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे यहां पर आपका क्या है, इंडिया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर दी यूनाइटेड नेशंस है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अभी आप यहां पर नेशंस देख के ऐसा नहीं सोच सकते कि ये प्लूरल है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस आया, इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स सेकुलर इमेज सिंस टाइम इमेमोरियल। अभी यहां पर बात किसकी हो रही है, मेन सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, इंडिया है। अभी इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। अभी यहां पर यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, यहां पर नीदरलैंड्स की बात हो रही है, यहां पर डेल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, यहां पर सरोज की बात हो रही है। अभी यहां पर इंडिया, यूनाइटेड नेशंस, नीदरलैंड्स, डेल टेक्नोलॉजीज, सरोज, ये सभी हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट हमारा किस तरह का होता है, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और यहां पर इंडिया, यूनाइटेड नेशंस, नीदरलैंड्स, डेल टेक्नोलॉजीज, सरोज, ये सभी के सभी हमारे क्या है, नाउन है। लेकिन किस तरह के नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन को आप पहचान सकते हैं कि इनकी शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से। अभी कैपिटल लेटर से इनकी शुरुआत होने की वजह से इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे यहां पर देखिए हैज, यहां पर देखिए रिजॉल्व्स, यहां पर देखिए इज, यहां पर देखिए इज, यहां पर देखिए डांसेस, ये सभी के सभी आपके वर्ब कैसे हैं, सिंगुलर है। और ये सिंगुलर वर्ब क्यों है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ में, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल वाला होता है, उनके साथ में कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता है, क्योंकि उनका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी अगर आप यहां पर एस देख के नीदरलैंड्स को प्लूरल समझ के यहां पर आर लिख देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। अभी यहां पर डेल टेक्नोलॉजीज है, यहां पर इसकी जगह अगर आर लिख देते तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि डेल टेक्नोलॉजीज क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहां पर सरोज क्या है, प्रॉपर नाउन है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, प्रॉपर नाउन है। कोई भी खास नाउन है, कोई भी स्पेसिफिक नाउन है, कोई खास नाम है, वहां पर उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज कभी भी नहीं किया जा सकता, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट रूल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए वो है कॉमन नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन में आपको पता चल गया, अगर किसी पर्सन प्लेस थिंग स्पेसिफिक की बात हो रही है, किसी खास की बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन कॉमन नाउन में कॉमन वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां पर जो नाउन है ये इतना खास नहीं है। जैसे यहां पर मैन की बात हो रही है लेकिन मैन का नाम नहीं लिखा तो ये कॉमन हो गया। यहां पर वॉचेस की बात हो रही है लेकिन किसी स्पेसिफिक वॉच की बात नहीं की तो कॉमन हो गया। यहां पर टॉस की बात हो रही है, बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉमन नाउन का प्लूरल एग्जिस्ट करता है, कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। इसी वजह से यहां पर यह ध्यान देना होता है कि नाउन हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि नाउन अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, नाउन हमारा प्लूरल होगा तो इसके साथ में वर्ब भी कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा। ध्यान देने वाली बात, जैसे यहां पर वॉचिज है तो ये प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। यहां पर विशेज है, अगर ये आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर आया है। इसी तरह से यहां पर देखिए टॉस है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो प्रॉपर नाउन के केस में प्लूरल बनता ही नहीं था, इसी वजह से वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन कॉमन नाउन के केस में प्लूरल एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से ये ध्यान देना होगा कि क्या यहां पर प्लूरल है या सिंगुलर है हमारा नाउन, हमारा सब्जेक्ट। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द कॉमन नाउन के केसेस में जब हम वर्ड के पीछे एस या फिर ई एस लगा देते हैं तो उनके प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बॉय का बन गया बॉयज, यहां पर बुक का बन गया बुक्स, पाइप का बन गया पाइप्स, ड्रग का बन गया ड्रग्स, रूम का बन गया रूम्स। अगर नाउन का एंड होता है एस एक्स जेड सी एच एस एच से तो उनके पीछे ई एस लगा के उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे यहां पर वॉच का हो गया वॉचिस, फॉक्स का हो गया फॉक्सिस, बस का हो गया बजिस, टॉस का हो गया टॉसिस, विश का हो गया विशिस। तो मोस्टली नाउन के पीछे अगर एस या ई एस लगा देते हैं तो उनका प्लूरल बन जाता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे आप यहां पर देखिए, ये आपके वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, वाई आता है। जिनके भी लास्ट में वाई आता है उनका प्लूरल कैसे बनता है, ध्यान देने वाली बात, अगर वाई से पिछले वाला वर्ड हमारा वॉवल है, वॉवल हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर तो वॉवल है तो उनका प्लूरल बनता है एस ऐड करके। जैसे आप यहां पर देखिए, वाई से पहले आपका ए है जो वॉवल है, वाई से पहले ए है जो वॉवल है, वाई से पहले ई है जो वॉवल है, वाई से पहले ई है जो वॉवल है, वाई से पहले ए है जो वॉवल है। अगर वाई से पहले वाला वर्ड वॉवल होता है तो उनका प्लूरल बनता है एस ऐड करके। डेज का हो जाएगा डेज, ट्रे का हो जाएगा ट्रेस, वैली का हो जाएगा वैलीज, ट्रॉली का हो जाएगा ट्रॉलीज, स्टे का हो जाएगा स्टेज। लेकिन अगर वाई से पहले वाला वर्ड हमारा वॉवल नहीं है, जैसे वाई से पहले सिटी में टी है, कंट्री में वाई से पहले आर है, एनर्जी में वाई से पहले जी है, डेरी में वाई से पहले आर है, तो यहां पर इनका प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगता, आई ई एस लगता है। तो इस तरह से प्लूरल बनाया जाता है इनका, सिटी का हो गया सिटीज, कंट्री का हो गया कंट्रीज, एनर्जी का हो गया एनर्जीज, डेरी का हो गया डेरीज, इसी तरह से पेस्ट्री का हो गया पेस्ट्रीज। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो ओ से खत्म होते हैं, जब आपका कोई नाउन ओ से खत्म होता है तो उनका प्लूरल बनता है पीछे ई एस ऐड करके। जैसे हीरो का हो गया हीरोज, पोटैटो का हो गया पोटैटोज, और कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर ई एस नहीं एस लगता है, जैसे लोगो का हो गया लोगोस, किलो का हो गया किलोज, रेशो का हो गया रेशोस। इसी तरह से आपके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एफ से खत्म होते हैं, हाफ का हो जाएगा हाफ्स, लीव का हो जाएगा लीव्स। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। अभी ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए, काफी बार ना सेंटेंसेस में आपको स्टिमुलाई देखने को मिलेगा। जब स्टिमुलाई देखने को मिलेगा इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है। अगर स्टिमुलस देखने को मिलेगा तो ये क्या है, आपका सिंगुलर है। ये किस तरह का नाउन है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। अभी बहुत सारी सेंटेंसेस के अंदर इन वर्ड्स का यूज होता है। अगर न्यूक्लियस आएगा तो सिंगुलर है, न्यूक्लियाई आएगा तो प्लूरल है, कैक्टस आएगा तो सिंगुलर है, कैक्टाई आएगा तो प्लूरल है, स्टिमुलस आएगा तो सिंगुलर, स्टिमुलाई आएगा तो प्लूरल। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। इसी तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आई की जगह ई में चेंज हो जाता है। अगर मैं लिखूंगा क्राइसिस तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन आई की जगह अगर ई डाल दूंगा तो ये हो जाएगा प्लूरल। इसी तरह से ऑसिस, आई की जगह ई डाल दूंगा तो ये हो जाएगा प्लूरल। एनालिसिस, आई की जगह ई डाल दूंगा तो ये हो जाएगा प्लूरल, ये है सिंगुलर। अभी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब सेंटेंसेस के अंदर आएंगे तो इन्हें पहचानना होगा।
ये बेसिस आई की जगह ई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लूरल, यहां पर आई की जगह ई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल। ध्यान देने वाली बात थी। अभी यहां पर देखिए, कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्स से खत्म होते हैं, इनका प्लूरल कैसे बनता है? इंडेक्स का हो गया इंडिसेस, अपेंडिक्स का हो गया अपेंडिसेस, मैट्रिक्स का हो गया मैट्रिसेस, वर्टेक्स का हो गया वर्टिसेस। इसी तरह से प्लेट्यू, ब्यूरो, टेब्ल्यू, ब्यूरो, इनके प्लूरल कैसे बनते हैं? ध्यान देने वाली बात, यहां पर इनके पीछे एस भी लग सकता है और इनके साथ में एक्स भी लग सकता है, एक्स भी लग सकता है, एस भी लग सकता है। तो कोई भी वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अगर प्लेट्यू के साथ में एक्स लगा है तो ध्यान में रखना ये क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल होगा तो इसके साथ में जो वर्ब अटैच होगा, वर्ब ज्वाइन होगा, वो भी प्लूरल हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा का, अगर डाटा लिखा है तो ये प्लूरल होता है, अगर डेटम लिखा है तो ही आपका सिंगुलर होता है। कॉर्पस इज सिंगुलर, कॉर्पोरा इज प्लूरल। इसी तरह से बैक्टीरियम, ये आपका क्या होता है, सिंगुलर। बैक्टीरिया लिखा होगा तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल। लेमैन, प्लूरल इज लेमैन। वूमेन, प्लूरल इज वूमेन। मैन का प्लूरल इज मैन। ऑक्स का प्लूरल इज ऑक्सन। चाइल्ड का प्लूरल इज चिल्ड्रन। अभी देखिए एग्जाम में बहुत सारे सेंटेंसेस में ना ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर मीडियम लिखा होगा तो ये सिंगुलर होगा, मीडिया लिखा होगा तो ये प्लूरल होगा, डेटम लिखा होगा तो ये सिंगुलर होगा, डाटा लिखा होगा तो ये प्लूरल होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से फुट का प्लूरल होता है फीट, टूथ का प्लूरल होता है टीथ, गूज का प्लूरल होता है गीज। अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला लिखा है तो ये है सिंगुलर, लेकिन फॉर्मूला लिखा है तो ये है आपका प्लूरल। नेबुला लिखा है तो ये है सिंगुलर, नेबुले लिखा है तो ये है आपका प्लूरल। तो इनके प्लूरल किस तरह से बनते हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको पहचानना होगा कि ये एंटीना है या एंटीने है। एंटीना होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, एंटीने होगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से लाउस का प्लूरल होता है लाइस, माउस का प्लूरल होता है माइस, हाउस का प्लूरल होता है हाउसेस, ब्लाउज का प्लूरल होता है ब्लाउजेस। अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे स्पीसीज, ऐसे ही रहेगा स्पीसीज ही, मींस इनका कोई भी चेंज नहीं होता है, डियर कोई चेंज नहीं होता है, सीरीज कोई चेंज नहीं होता है, हेयर कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इसी वजह से उनके साथ में जो वर्ब आता है वो भी हमेशा सिंगुलर आता है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर है इंफॉर्मेशन, यहाँ पर है न्यूज, एथलेटिक्स, राइस, मैथ्स, ये कुछ इस तरह के वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर मैथ्स के साथ में एस लगा हुआ है तो ये मत सोच लेना ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है। राइस क्या है, सिंगुलर है। एथलेटिक्स के साथ में एस लगा हुआ है, ये क्या है, सिंगुलर है। न्यूज के साथ में एस लगा हुआ है, ये क्या है, सिंगुलर है। इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर है। इसी वजह से इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, राइस के साथ में इज, इंफॉर्मेशन के साथ में इज, एथलेटिक्स के साथ में इज। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोलेक्टिव नाउन के केस में कैसे आपको पहचानना है। देखिए खास करके इस तरह के जब आते हैं ना कोलेक्टिव नाउन, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहां पर बहुत सारे बच्चों को गलती लग जाती है, लेकिन आपको यहां पर यह देखना है कि जो आपका नाउन है अगर वो कलेक्टिव नाउन है, वो एज अ वन यूनिट एक्ट कर रहा है, तो वहां पर उनके साथ में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। अगर वो कलेक्टिव नाउन नहीं है तो वहां पर वर्ब जो है प्लूरल आ सकता है, लेकिन पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट को पहचानना है। अभी सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अभी बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना, इसके बाद में जो प्लेयर्स है इसे सब्जेक्ट मान लेते हैं, जिसके चलते यहां पर जो उनका हेल्पिंग वर्ब है गलत हो जाता है। कभी भी ऐसे नहीं करना, जब भी आप सब्जेक्ट को पहचानते हैं ना, सब्जेक्ट आपका आर्टिकल के बाद आता है, आर्टिकल के बाद ही आपका हमेशा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है।
तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, टीम है, तो जो भी प्रेपोजिशन के बाद लिखा है उसे हटा दीजिए। जैसे यहां पर लिखा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसे हटा दीजिए। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, टीम है, अभी टीम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए, अ पैक ऑफ कार्ड्स, प्रेपोजिशन के बाद में जो लिखा है ना उसे हटा दीजिए। यहां पर आपका पैक क्या है, सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए, फ्लॉक्स ऑफ शीप, प्रेपोजिशन के बाद वाला हटा दीजिए। यहां पर फ्लॉक्स क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इसी वजह से ध्यान में रखना, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद में नहीं आता है। ऑफ के बाद वाला कभी भी आपका सब्जेक्ट नाउन नहीं होता है, मेन हीरो सेंटेंस का नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, यहां पर प्लेयर्स देखेंगे तो यहां पर हैव लगा देंगे, शीप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, यहां पर कार्ड देखेंगे तो आर लगा देंगे, यहां पर बुकेस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ध्यान देना है कि क्या इससे पहले कोई प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन है तो वो मेन हीरो सब्जेक्ट हमारा नहीं हो सकता। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा टीम के अकॉर्डिंग, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा फ्लॉक्स के अकॉर्डिंग, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा पैक के अकॉर्डिंग, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा बुकेस के अकॉर्डिंग, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा स्टैक के अकॉर्डिंग। अभी स्टैक क्या है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर, बुकेस हमारा प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लूरल, पैक हमारा सिंगुलर था, कलेक्टिव नाउन था, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया सिंगुलर। सिंपल सी चीज है। इस तरह की गलतियां एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। हम क्या करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि इससे पहले वाला वर्ड क्या है। ऐसे नहीं करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला वर्ड आपका प्लूरल है भी, तो ध्यान दीजिए क्या उससे पिछले वाला वर्ड प्रेपोजिशन तो नहीं है। अगर प्रेपोजिशन है तो वो हमारा मेन हीरो नहीं है सब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। जैसे यहां पर क्या है, ब्रदर इन लॉ है। जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम बनाते हैं ना, तो जो पहले वाला वर्ड होता है उसके पीछे एस लगता है, ध्यान देना। यहां पर क्या है, ब्रदर इन लॉ, यहां पर क्या है, ब्रदर्स इन लॉ। अभी पहले वाले वर्ड के पीछे एस लग गया, तो यहां पर ब्रदर्स इन लॉ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लूरल आएगा, ब्रदर इन लॉ क्या था, सिंगुलर था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया, सिंगुलर। इसी तरह से यहां पर क्या है, पास्टर बाय, पास्टर बाय सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर, लेकिन पास्टर्स बाय क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कंपाउंड नाउन के केस में क्या होता है, प्लूरल बनाने के लिए जो पहले वाला वर्ड होता है उसके पीछे एस लगता है। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज रिजाइंड, तो सिंगुलर था, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब क्या आया, सिंगुलर आया। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेपोजिशन के बाद वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे हटा दीजिए। यहां पर सेक्रेटरी की बात हो रही है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब भी क्या आएगा, आपका सिंगुलर आएगा। अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। ध्यान देना, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये कभी भी इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, इनका प्लूरल बन ही नहीं सकता। अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अगर किसी क्वालिटी की हम बात करते हैं, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जहां पर हमारी सेंसेस काम नहीं करती हैं, जो इनटेंजिबल चीजें होती हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर हम यहां पर ऑनेस्टी की बात करें, यहां पर हेल्थ की बात करें, यहां पर इनोसेंस की बात करें, सेक्रीफाइस की बात करें, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख नहीं सकते। ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो हमारी इनटेंजिबल चीजें हैं, जहां पर फिजिकल टच पॉसिबल नहीं है, जहां पर जो हमारी पांच सेंसेस हैं वो काम नहीं आती हैं, ना ही तो आप ऑनेस्टी को टेस्ट कर सकते हैं, ना ही आप ऑनेस्टी को सुन सकते हैं, वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जैसे ही एग्जाम के अंदर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, वहां पर आप मेन सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, हीरो को पहचान लेते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या उस चीज को आप देख सकते हैं?
अगर उस चीज को आप देख नहीं सकते, आप उस चीज को सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो इनटेंजिबल चीज है, कोई क्वालिटी है, तो ध्यान देना उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनता। और अगर प्लूरल नहीं बनता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल कभी भी नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूंगा सेक्रीफाइस, तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इनोसेंस की बात करूंगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। हेल्थ की बात करूंगा तो सिंगुलर होगा। तो यहां पर जो आपके वर्ब है वो भी क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो हमारे यूनिट्स होते हैं टाइम के, मनी के, डिस्टेंस के, इनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे टाइम, मनी, डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज क्या है, मनी है। यहां पर वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर। 40 लैक्स, 40 लैक्स क्या है, मनी है, तो यहां पर वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। 20 मिनट्स, आप ऐसे देखेंगे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मिनट्स है, प्लूरल है, लेकिन नहीं, अगर ये टाइम की यूनिट है तो यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से 5 किलोमीटर्स, ये क्या है, डिस्टेंस के यूनिट है, तो इसके साथ में वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। 3 आवर्स, ये क्या है, यूनिट टाइम के है, तो यहां पर वर्ब आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ रखे हैं, तो यहां पर गलती आपको नहीं करनी है। अभी फिलहाल हमने यहां तक क्या सीखा है, जब भी एग्जाम में स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, ये पहचानना है कि उस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है। वहां पर उस सेंटेंस के अंदर हीरो कौन है, हीरो पहचान लिया तो सब्जेक्ट पहचान लिया, जब सब्जेक्ट पहचान लिया तो मेन नाउन के बारे में आपको पता चल गया। फिर ये देखना है कि क्या वो नाउन प्लूरल, सॉरी वो नाउन हमारा प्रॉपर नाउन तो नहीं है। अगर वो नाउन हमारा प्रॉपर नाउन हुआ तो उसका तो प्लूरल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। फिर ये देखना है कहीं वो नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है। अगर वो नाउन हमारा अब्स्ट्रैक्ट हुआ, यानी जिसे हम देख नहीं सकते, इनटेंजिबल चीज हुई, तो उसका भी प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर ये देखना है वो नाउन कहीं टाइम, मनी, डिस्टेंस का यूनिट तो नहीं है, या कोई ऐसा नाउन तो नहीं है जिसका प्लूरल बन ही नहीं सकता। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। ये ऑब्जर्व करने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है कि उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये इसका पहला पार्ट था। अभी हमने चीजों को कनेक्ट करना शुरू किया है, एक सीक्वेंस में चलेंगे, 2-3 पार्ट्स के अंदर सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आप 3 सेकंड के अंदर अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपका ये जो स्पॉटिंग एरर्स का पोर्शन है ना, बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर एक बार अगर आपने इन 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन्हें समझ लिया, कनेक्ट कर लिया, तो सभी क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। आराम से आप अपने एरर तक पहुंच पाएंगे, आप देख पाएंगे कि कहां पर गलती थी। तो ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल क्या है, सबसे पहले मेन हीरो, मेन सब्जेक्ट को पहचानना है। जब मेन सब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो देखना है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। अगर नाउन है तो ये देखना है क्या वो प्रॉपर नाउन तो नहीं है, क्या वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है, क्या वहां पर टाइम, डिस्टेंस, मनी, इस तरह के यूनिट्स की बात तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर देखना है कि क्या वो कलेक्टिव नाउन है, क्या कॉमन नाउन है। फिर देखना है कि उनका प्लूरल बनता है कि नहीं बनता। अगर उनका प्लूरल बनता है तो उसका ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर प्लूरल बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंग्लिश के किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।